फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। लगभग आप सबको अपनी जुबान में रखे वेलकम करती हूँ एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आपको पता है समर वेकेशन ख़त्म हो चुके हैं और अब बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। बहुत सारी मेरी बहनों के बच्चे स्कूल जा भी रहे होंगे, मेरे बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं और बस उन्हीं की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के रखे हैं, जो छोटे हो गए हैं वो अलग किए हैं, जो अभी मुझे लग रहा है कि बस ठीक होंगे, अभी चल जाएंगे, वो निकाले हैं कपड़े और इनके कपड़े अभी लेने भी हैं। हालांकि देखें, दोनों के दो दो सूट हैं। ये आयशा के कपड़े पड़े हुए हैं, ये भी दो सूट हैं, ये भी दो सूट हैं अहमद के, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये छोटे हो गए ना, जो वो मैंने वहाँ रखे हैं। ये आयशा के पहनने वाले कपड़े अभी मैंने निकाले, उसे मदरसा भी जाना है, पहनना भी है, तो ये सारी सेटिंग बस अब ये चल रही है। यही सारी चीज़ें लेनी है। ग्रॉसरी करने हम गए थे, उसकी ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी करने भी हम गए थे, उसका ब्लॉग भी आपने ज़रूर देखना है। आपको पता चलेगा कि सस्ती ग्रॉसरी आप कहाँ से कर सकते, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि हर बंदा ढूंढ रहा होता है कि सस्ती चीज़ और म्यारी चीज़ कहाँ से मिल सकती है। तो वो ब्लॉग भी आपसे एक दो दिन में शेयर करूँगी, वो भी आपने पूरा देखना है। अभी हम जाएंगे बच्चों की चीज़ें लेने के लिए। अभी मैंने आपको दिखाया है एक एक दो दो सूट मैंने और लेने हैं, जूते लेने हैं, मोहम्मद अहमद के जूते ख़त्म हो गए हैं, उसकी कुछ और चीज़ें लेनी है, स्टेशनरी की चीज़ें लेनी है। अभी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होगा दुकानों पर, तो बस दो दिन रह गए बच्चों के स्कूल खुलने में। तो आज जाके इंशाल्लाह शॉपिंग करूँगी इनकी, और इनके लंच बॉक्स लेने हैं, लंच के लिए जो सामान जो बच्चे रोज़ लेके जाते हैं वो लंच बना के रखना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरे ब्लॉग देखिएगा एंड तक और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे आइंदा दिनों में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने अपने लिए चाय बना ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक कप चाय अगर बनानी हो तो मैं कितनी छोटी सी कटोरी में चाय बनाती हूँ और बर्तनों को बचाती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कप चाय बनानी होती है तो मैं अपनी इस छोटी सी कटोरी में बना लेती हूँ। अभी किचन चूल्हा जो है जल गया है, सुबह कोई चीज़ गिरी थी तो जो है ना चूल्हा भी साफ़ करना है, तो एक कटोरी में बना लेती हूँ अपने लिए एक कप चाय, क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीती हूँ, हस्बैंड नहीं पीते, बच्चे नहीं पीते, तो फिर मैं अपने लिए इसी बना लेती हूँ। मेरी चाय तकरीबन बन गई है, लेकिन कितना अच्छी बॉयल हो रही है, कलर कितना खूबसूरत आया। आप बताएँ कि आप इस तरह की चाय पीते हैं या इससे भी स्ट्रॉन्ग पीते हैं या नॉर्मल, इससे थोड़ी कम नॉर्मल चाय पीते हैं, ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। टाई आप छोड़ो, टाई भी तुम्हारी आ गई। ये भी हाँ भाई, पहलवान कैसे हो भाई, आप स्कूल जाओगे? सिक्योरिटी कैमरा भी लगाओ, सिक्योरिटी कैमरा देखो, मेरी भी शौक ले लो। स्मॉल साइज़ नहीं लेना, मीडियम लेना, इसकी मैं मीडियम देखो, ये हमारी स्मॉल, ये मीडियम साइज़ है, ये मीडियम ले लेते हैं। एक अहमद का भी मीडियम ही ले लेते हैं। पूरी है ना, लेकिन अभी कपड़े खरीदे स्कूल जो है। अभी बना रहे हैं आपको, अभी जूते अभी चेक कर। मामा मेरा नहीं लेना, ये मैंने ले लेंगे आयशा, अभी लेना है, अभी अहमद का ले लेते हैं ना, चेक करो जी। अच्छा जी, फिर हम आ गए थे स्टेशनरी की शॉप्स पे। ये बेसिकली जो शॉप्स हैं ना, ये तमाम की तमाम होलसेल की शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं और बहुत मुनासिब कीमत पे मिलती हैं। अब ये इतने ज़्यादा यहाँ पे लंच बॉक्सेस लगे हुए थे और बहुत ही कम कीमत पे। अब मैंने अहमद के लिए इतना अच्छा लंच बॉक्स लिया सिर्फ़ और सिर्फ 200 में। ये जो शॉप्स हैं ना, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी शॉप्स कहाँ हैं जहाँ से मैंने बच्चों की सारी चीज़ें बाई की हैं, कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं, ये स्टेशनरी की चीज़ें लिए हैं, तमाम चीज़ें मैंने कॉलेज रोड से, राजा बाज़ार से और चाइना मार्केट से ली हैं। तो यहाँ पर आप ज़रूर शॉपिंग करने जाएँ, आपको मुनासिब कीमत पर चीज़ें मिलेंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी। फिर हम आ गए थे, कुछ हमने खाने वाने की चीज़ें लीं, उसके बाद मैं घर आई। ये ईरानी चॉकलेट्स ली मैंने, ईरानी मैंने टॉफ़ीज़ ली। अच्छा, अगला व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, अगले व्लॉग में मैं आपसे घर की ग्रॉसरी शेयर करूँगी, मैं सस्ती ग्रॉसरी कहाँ से लेकर आई हूँ और आप कहाँ से ले सकते हो सस्ती ग्रॉसरी, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा जो है ना दो पैसे बचाना चाहता है और हर बंदा सोचता है कि अच्छी और म्यारी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। अगला व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं करना अपना। तो फ्रेंड, फाइनली हम घर आ गए हैं शॉपिंग करके। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने परिवार के साथ
और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।